अच्छी चीज मुझे इसकी क्या लगी बताए, लेके बिरयानी तक वेज आइटम है। हेलो फूडीज, तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में फिर से एक बारी। हाँ भाई, नवरात्रि चालू हो गई है, नॉनवेज अभी थोड़ा सा बंद कर दिया वीडियो, बट हाँ जो टेस्ट है वो नॉनवेज वाला होने वाला, बट जो चीज है वो है भाई वेज। हाँ भाई सही समझा, खिलाने वाला हूँ आपको कबाब शबाब साथ में बिरयानी, बट सारी चीजें टोटली होने वाली है वेज। तो भाई जिस जगह पे आए हैं क्या क्या चीजें ट्राई करेंगे, लोकेशन बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखना, काफी मजा आएगा। लोकेशन की तो लोकेशन समझा देता भाई, आगे है कर्नलगंज थाना कर्नलगंज चौराहा, सामने भाई साहब ये सीन है बाजार कोलकाता के नीचे स्टॉल लगता है। तो टाइमिंग सारी चीजें पूछते हैं भाई से, बात करते हैं। तो भाई साहब देखो, एक साइड पे होते पराठे तैयार, पराठे तैयार करने की स्टाइल देखना, कैसे पीट पीट के पराठे को बनाते हैं भाई हमारे। तो देखो उस साइड अच्छे सेका गया, साथ में पिटाई जब होगी पराठे की तब देखना। तो इसे क्यों भाई पिटाई पराठा भी बोल सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल बोल सकते हैं। भाई ने देखो बोल दिया भाई पिटाई करेंगे पराठे की, तो देखना उस साइड पे भाई कबाब लगना चला लू हो गया, देखो पिटाई कैसी होती है। तो आवाज सुन रहे हो भाई, तो ये सीन होता है। तो भाई देखो ये पिटाई हुई, सीधे गया ये तवे पे भाई, ये इसे कहते हैं उल्टा तवा पराठा भी यही होता है ना भाई। हाँ उल्टा तवा पराठा भी यही होता है, स्पेशली चीजें मिलती है नहीं, बट हाँ यहाँ पे हम ला के आपको दे रहे जो होते खजाने। अब यहाँ की शॉप के ओनर साहब है, तो भैया कैसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया भैया। अच्छा जी, क्या नाम है आपकी शॉप का? हमारी दुकान का नाम आरएफ वेज कबाब पराठा। अच्छा जी, प्लेस क्या, जगह कौन सी पड़ती है? ये कर्नलगंज थाने चौराहे पे कोलकाता बाजार मॉल है, उसी के नीचे। टाइमिंग क्या होती है? सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। अच्छा सुबह 11 बजे से? हाँ सुबह 11 से लेके रात के 11 तक। अच्छा जी, सारा टोटल आइटम वेज? टोटल आइटम वेज आइटम है। ओके जी, तो क्या क्या? पराठे से लेके बिरयानी तक वेज आइटम है। अच्छा जी, बिरयानी की शक्ल दिखाएंगे हमें? बिल्कुल दिखाएंगे। तो भाई साहब देख रहे हो ये है बिरयानी की शक्ल, तो देख रहे हो एक बार कलछी अच्छी मार के दिखा दीजिए, पनीर उनीर जो है सारी चीजें। अच्छा देखो कलछी मार के दिखा दीजिए, ये इस तरीके से निकलती है इसकी बिरयानी, गिरती है पनीर डाला जाता है, खिले खिले राइस है, तभी हम लोग भी लगवाएंगे। फिलहाल अभी क्या ट्राई कराने वाले हैं? जो आप कह दीजिए वो खिला दें। तो एक प्लेट हमारे कबाब पराठे लगवाइए। बिल्कुल, फिर पहले आप कबाब पराठे लगाइए, फिर हम बिरयानी ट्राई करेंगे। तो ये देखो भाई, ये आ गए हमारे छोटे छोटे कबाब। ये कबाब आप खुद ही बनाते हैं? जी, चारी चारी अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा प्रॉपर घर वाला हिसाब किताब चलता है? टोटल वेज आइटम साफ सफाई के साथ। अच्छा जी सच में? जी। ओहो, क्या रेट रहता है कबाब के? कबाब पराठे के 40 रुपए प्लेट है, जिसमें दो कबाब दो पराठे आते हैं। अच्छा, और कोई रोल खाना चाहता है? रोल में सिंगल आएगा, एक कबाब एक पराठे का 20 रुपए का। अच्छा रोल भी बन जाता है? रोल भी बन जाता है। क्या पराठे ही? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कस्टमर की इच्छा हो वैसे खाए। अच्छा मोस्ट सेलिंग आपका मतलब कबाब पराठे और रोल ही रहता है? जी जी। तो ये हमारे छोटे छोटे कबाब हो गए, तो कबाब पराठे के साथ स्पेशली क्या जाती है चीजें साथ में? पराठे साथ में चटनी है, ग्रेवी है, प्याज। अच्छा, है चटनी ग्रेवी भी जाती है 40 रूपए। तो भाई हमारे कबाब हो चुके हैं तैयार, जल्दी सब इसको प्लेट में लगा दीजिए, बहुत जोर से लगाइए, ट्राई करने में पता चलेगा। जी जी। तो भाई ये होते कबाब, इसमें दाल आल भी मिक्स होती है ना? जी, हरे मसाले रहते हैं, दो किस्म की दाल रहती है, लौकी पड़ती है। अच्छा लौकी भी रहती है? वाह भाई वाह, मतलब पूरा हेल्थ के साथ मजा है। ये आ गई हमारी प्लेट साथ में, इसके आगे दो कबाब भाई आप देख रहे हो, ये सीन। अब ये गई इनकी थोड़ी की ग्रेवी, जो कि इनकी स्पेशल खुद की रहती है, साथ में गई इनकी हरी चटनी। चटनी भी देख रहे हो, पहले से मैं इसे खाते आ रहा हूँ काफी टाइम से, भैया जान ही रहे हैं। साथ में इसके आएंगे दो पराठे आते हैं। अच्छा जी 40 रुपए में दो पराठे भी आ गए, और साथ में भाई हमारी थाली भी सज गई प्रॉपर। ये थाली तो शादी वाली थाली है, जो थाली शादी में रहती है। तो भाई अच्छा जी जल्दी से हम लोग भी थाली को ट्राई करते हैं और देख के आपको बताते हैं। भाई रंग बिरंगी हो गई। तो भाई ये हमारी थाली सज चुकी है, देखिए जिसमें है दो पराठे, साथ में प्याज चटनी कबाब, साथ में ग्रेवी। भाई नवरात्रि चल रही है, बट देख रहे हो नॉनवेज का मजा मैं ऐसे ही ले रहा है भाई, सच में बता रहा वेज है ये चीज। तो जल्दी से एक अच्छी सी बाइट बनाते हैं, और पराठे भाई देख रहे हो, ये लिया पराठे के अंदर कबाब, कबाब लगाया साथ में भाई, थोड़ी सी चटनी लगाया प्याज के अंदर, और ये कैसा लगा? एक ही बाइट में पता चल जाता है ये आरएफ रोल पेस्ट कबाब पराठा है।
मैं दूसरी बाइट खा रहा हूँ तो समझो मतलब टेस्ट सुपर से ऊपर जा रहा है ना। हर वीडियो में अगर आप देखते हो दो बार अगर मैं खा रहा हूँ तो टेस्ट सुपर से ऊपर है। प्रॉपर मसालों का काफी अच्छा यूज किया इन्होंने जो कि गले में हिट भी नहीं कर रहा है और मसाले प्रॉपर आपको स्वाद आएगा। हल्का चटपटा मजेदार चटनी भी है प्याज भी है। इसको फिनिश करता हूँ देन बिरयानी लगवाता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो फ्लाइंग पराठा ही बना लेते हैं भाई। एक बार फिर से करके दिखा दो वो दूसरे में दिखाता हूँ भाई। ये कोई एडिटिंग नहीं किया हूँ मैंने भाई। इतने कलाकार हैं। क्या नाम है भाई आपका? फुरकान। ओ फुरकान भाई है हमारे देख रहे हो। आप जब भी इस लोकेशन पे आना तो भाई से बोलना उड़ा के पराठे खिलाएंगे। उड़ा के खिलाएंगे ना भाई पराठे। तो भाई देख रहे हो भाई पराठे भी उड़ा के खिलाते हैं हमारे लोग। ऐसे ही सब करते बट भाई हमारे उड़ा के पराठे खिलाएंगे। अभी अभी मुझे पता चला इससे पहले दिखाता बट आपको तो आप देखना भाई। वाह तवा गरम है साथ में बिरयानी अब लगने को तैयार। तो भाई ये देख रहे हो पहले ही देख रहे हो सोयाबीन दिख गई इलायची है पनीर है बट सबसे इरिटेटिंग इलायची होती है ना भाई खाते खाते अगर बीच में आ गई पूरा स्वाद खराब कर देती है। और ऊपर से भाई ये आ गई पनीर। ओए होए वाह भाई पनीर ऊपर ही से जाती है क्यों भैया? पनीर ऊपर से जाती है। तो आप भाई जब भी इस साइड पे आओगे बिरयानी आपको गर्मा गर्म ही मिलेगी। ये नहीं कि मतलब कई जगह पे होता है डेग लोग बना के रख देते हैं है ना भैया कई जगह ऐसा होता है बट यहाँ पे आपको भाई आपके आपके सामने सारी। हाँ ये देखो डेग यहाँ रखा है यहाँ से निकालेंगे दरन तुरंत गर्म करेंगे बिरयानी। तो ऐसे ही सीन होता है। और ये हाफ पोर्शन है ना देख रहे हो हाफ पोर्शन काफी सही है। कितने का है? 30 का हाफ। ये 30 का हाफ है भाई देख रहे हो पोर्शन। तो भाई हम लोग भी जल्दी से खाते हैं। इस पे वही चीजें जाएगी चटनी रायता चटनी प्याज और ग्रेवी। ये हो गई हमारी बिरयानी तैयार भाई। ये हमारी बिरयानी है देखने में लुक एंड फील देख रहे हो। सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी क्या लगी बताए राइस की खिले खिले राइस है साथ में सोयाबीन है पनीर है साथ में रायता थोड़ा सा फैल चुका है। हाँ तो भैया देखो कह रहे हैं कि अगर नॉन वेज का टेस्ट नहीं मिले वेज में तो पैसे वापस। ये भी चैलेंज है साथ में हरी चटनी है इनकी वही वाली ग्रेवी है जो पराठे में हम लोग खाए थे साथ में ये होता रायता। तो पहले तो ऊपर से प्लेन ट्राई करूंगा। भाई सच में जो चावल की लेयर है वो प्रॉपर नॉन वेज वाला टेस्ट दे रहा है आपके पास। अगर आप सोयाबीन सोयाबीन हटा देते हो तो राइस आप कहा तो लग रहा भाई यार नॉन वेज वाला है बट मैटर क्या है सही बताए सोयाबीन है पनीर के पीसेस देख रहे हो पड़े हुए हैं साथ में रायता शायता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे और ये पुणे हैं हाफ पोर्शन है भाई क्वांटिटी देख रहे हो। ये सारा हिसाब किताब है। मैं चाहे इसको 50 रुपीज में जोड़ सकता था अपनी सीरीज में बट ऐसी सीरीज अगर आप और चाहते हो तो उसको भी दिखाएंगे। इसको फिनिश करता हूँ। ऐसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके बताना वीडियो को। और ऐसे ही भाई अभी नवरात्रि चल रही है तो प्योर वेज खाना दिखाने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और इस प्लेस को जरूर से विजिट करना भाई एक बार। और ये कोई पेडेड वीडियो नहीं रहती है